जय हिंद मित्रों, RS360 के मंच पे आपका दोस्त होस्ट शुभचिंतक हितेशी नवीन शर्मा तह दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, चाहे हमारा RS360 ऐप हो, चाहे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं है, आप सबका है। उस पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर का खजाना राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सुजस मैगजीन, उसके अलावा सरकारी वेबसाइट का पूरा पेपर की कटिंग, इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्ट जो कि करंट अफेयर के हिसाब से बेहद कीमती है, साझा किया जाता है। कोई चार्ज नहीं है, आप देखो आराम से। उसके अलावा जो RS360 ऐप है, वहां पे पूरा कोशिश हमारा ये है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर RS इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों के लिए। इंग्लिश मीडियम में तो मुझे लगता है राजस्थान में काफी कम चैनल्स काम करते हैं, लेकिन हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। मेरा उसमें खुद पर्सनल इनिशिएटिव है और हमारे साथी जो हमारे टीम के बहुत अच्छे साथी हैं, वो हिंदी माध्यम में भी पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज। खैर साथियों, ये जो RS प्री 2023 की संभावित तारीख जिसपे मैं आज चर्चा करूंगा और बात करेंगे किस तारीख को आपका RS प्री हो सकता है, किस तारीख को प्लेन उड़ेगा, आपको अपनी कुर्सियों की पेटी को बांध लेना है। हमारे बहुत साथी, अच्छे साथी राज्य सरकार में हैं, सेंटर गवर्नमेंट में हैं, राजस्थान के बाहर नौकरी करते हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर विशेष तौर पर विप्रो कंपनी में, TCS में, अच्छे अच्छे कंपनी में अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग, बहुत अच्छे लोग, वो छुट्टी लेने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि एग्जाम जब सर पे होता है तो ऑफिस का प्रेशर, ऑफिस के बॉस को कैसे हैंडल करना है, कैसे आप अपने अधिकारी को बताओगे साहब मैं छुट्टी जा रहा हूँ RS के लिए। तो प्लानिंग करना जरूरी है। जो भी मैंने जानकारी दी, चाहे किसी भी एग्जाम के बारे में हो, इससे पहले आप देख सकते हो जब मुझे खुद 3-4 सोर्सेस से कंफर्म होता है कि हाँ ये संभावित तारीख हो सकती है, ऐसा हो सकता है, तभी मैं आपके सामने ये चीज साझा करता हूं ताकि आपका फायदा हो सके। तो साथियों, RS प्री 2023 की संभावित तारीख क्या होगी, जैसा कि हमारे नोटिफिकेशन में भी लिखा था और तमाम अखबार में माध्यम से मैंने खुद पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अक्टूबर महीना RSP में संभावना पूरी प्रबल है। जो तारीख संभावित हो सकती है RSP की, वो है 1 तारीख, 1 अक्टूबर को RSP आपका कंडक्ट हो सकता है 1 तारीख को। अदरवाइज फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में तो काफी संभावना की प्रबल नजर आ रही है। तो ये 1 तारीख के हिसाब से आप आज के सामने मान के चले तो 17 दिन, ठीक है, तो समय ज्यादा नहीं बचा है। इस कम समय में बहुत सी चीजें आपको करनी होंगी, तो उसका सदुपयोग करते हुए, क्षण क्षण का इस्तेमाल करते हुए अपनी रणनीति को इस प्रकार बनाएं कि ये 1 अक्टूबर है, 15 सितंबर तक सारा आपके अस्त्र और शस्त्र सब पैक हो चुके हों, जो भी आपको पढ़ना हो सब पढ़ चुके हो, क्योंकि आखिरी के 15-20 दिन तो जो हम काम करते हैं रिवीजन, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो एक तो ये कि 1 अक्टूबर को मान के चलो, नहीं तो प्रथम सप्ताह में काफी संभावना इसकी नजर आ रही है। दूसरी बात, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, जैसा कि मैंने बताया टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसके अलावा जो ऐप है RS360, वहां पे आप गूगल के प्ले स्टोर से तो डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश। फीस मात्र 499 दिल्ली से जयपुर में, दिल्ली से लेक्चर शूट कर रहा हूं, दिल्ली से जयपुर का बस का किराया कितना है आप सबको मालूम है, उससे भी कम फीस हमने रखी है। और हमें कोई लालच नहीं है कि आपके लाखों रुपए, हजारों रुपए लें, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये भी फीस सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो ऐप बनती है उसका मेंटेनेंस खर्चा, जो टीम के कुछ सहयोगी बैकएंड पे काम करते हैं उनकी सैलरी, तो सब चीजों को लेके, बाकी खुद हमारा
इसमें कोई इंटरेस्ट है। हमारा सबसे बड़ी पूंजी, हमारा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो तब है जब आप लोगों का सिलेक्शन हो, वो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए इस तरह से हम काम करते हैं, ये जो पर्टिकुलरली चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, राजस्थान ज्योग्राफी हो, शॉर्ट नोट्स, छोटे कंडेंस कंप्रेस नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में कैप्सूल कोर्स, ताकि आपको लोड ना पड़े, सब जल्दी से रिवीजन हो जाए। स्ट्रेटजी बताते हैं कि देखिए पूरा एक ही नक्शे में, एक ही पूरे मैप में काफी हद तक कोशिश करी है ट्रिप के माध्यम से, हम जो साउथ इंडियन हिल्स को, जो दक्षिणी भारत में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उनका ऑर्डर क्या होगा, माउंटेन पीक पर्वत शिखर का देख सकते हैं आप। उसके अलावा चाहे करंट अफेयर का डेटा आता है, करंट अफेयर में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी अभी, ठीक है, जिसमें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नीति आयोग की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से। सवाल बनेगा इसका, तो इसमें क्या इंडिया का स्टेटस है, कौन से राज्य में सबसे कम एमपीआई है, ये सब तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं, प्लस ऐप में भी इसका करंट अफेयर कंपाइलेशन करके पूरे मंथ का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टू द पॉइंट, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में। और देखिए आप, हमारा ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हमने क्या किया है, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी को मात्र 21 पन्ने में इस शॉर्ट समरी, शॉर्ट नोट की फॉर्म में हमने कंप्लीट करने का प्रयास ऐप पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर रहे हैं तो करते रहिए, तमाम क्विज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो, चाहे आप देखो यहाँ पे कि किस तरह से किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, गणित का हो, गणित में खास तौर पे, साइंस में और गणित में मेरा खुद का पर्सनल इसमें इनिशिएटिव रहेगा, जो मेरा खुद का अनुभव है। तो आप लोगों को फायदा पहुंचाना पहले भी टारगेट था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो करंट अफेयर का जितना भी डेटा है, जो भी कुछ, चाहे राजस्थान की खबर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दा हो, हिंदी पेपर हो, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, स्पोर्ट जगत की खबर हो, इसको टेलीग्राम चैनल पे कवर करने की कोशिश। तो साथियों, इकोनॉमिक रिव्यू को किस प्रकार पढ़ें, इकोनॉमिक रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण, इसमें आप देखिए कई, मैंने देखा कई लोगों के पास पैड होता है, उस आईपैड में वो आराम से हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपके पास पैड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, हार्ड कॉपी भी आपके पास में है इकोनॉमिक रिव्यू की, तो आप जो 10-15 रुपए का हाईलाइटर आता है उससे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आंकड़ों को इस तरह से अलग से दिखाओ, ताकि आपको रिवीजन करने में आपकी नजर पड़े, अच्छा ये डेटा इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बन सकता है, वो आपकी आंखों के सामने 50 बार गुजरना चाहिए। इकोनॉमिक रिव्यू कम से कम आपके 9 से 10 सवाल सही करवा देगा, आप ऑलरेडी बहुत रेस में आगे निकल जाएंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण बहुत कीमती, बहुत असरदार। उसके अलावा साथियों, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं खुद बड़ा दुख हुआ, मेरा खुद जो दिल में काफी तकलीफ हुई, जब मैंने देखा कि कुछ पेपर्स लीक के प्रकरण हुए राजस्थान में, मुझे बहुत खुद दुख हुआ, काफी लोगों ने टेक्स्ट भी किया, मैसेज भी किया, मेरा पूरा, मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें, मेरा खुद का प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट ना हो, सरकारी नौकरी में होने की वजह से दिल्ली से मैं शूट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आने वाले समय में भर्तियां पारदर्शिता के साथ हो, भर्तियां इस प्रकार हो कि जो मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, वो सफल हो, जिसने अपने पसीना बहाया है, जिसने रात दिन मेहनत करी है, उसको इन भर्तियों में सफलता की मंजिल प्राप्त हो। तो चाहे कोई भी भर्ती, जो विगत के दिनों में जो प्रकरण हुए हैं, हम सबके सामने अखबारों के माध्यम से आए हैं, मैं यही कहूंगा कि आप, आज का युग सोशल मीडिया का युग है, आज का युग RTI राइट टू इंफॉर्मेशन का युग है, अगर इस तरह से कुछ चीजें होती हैं, सामने आती हैं, सरकार उस पर एक्शन लेती है, हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जो भी भर्तियां हो, चाहे RPSC की हो, चाहे RSMMB की हो, पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ में हो, ताकि ईमानदारी से जो लड़का प्रयास कर रहा है उसको फायदा मिले। और बात को समाप्त करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, जो हम सबको कुछ ना कुछ
सिखाता है। देखिए साथियों, मनोज वाजपेयी साहब जो हैं एक कलाकार हैं और नीचे से उठे हुए कलाकार हैं। जो कलाकार नीचे से ऊपर उठता है उसको पूरी वैल्यू सिस्टम, उसको पूरा मालूम होता है कि कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता है, चप्पल घिसनी पड़ती है। यहाँ पे आप देखिए इन्होंने कितने बात कही है फतेह। एक चीज है कि जब पॉकेट में पैसा नहीं और पेट में खाना नहीं तो खोने के लिए कुछ नहीं देता, पाने के लिए आसमान ही देता है। तो ये चीज है दिमाग। तो बात इतनी सी है साथियों कि जब आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति डाउन है, पेट में खाना नहीं है, तो खोने के लिए क्या है? खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए आसमान है। इस बात को ध्यान में रखना और अपना 100% इस भर्ती पे लगा दीजिए। जो आप अब तक लगातार तैयारी कर रहे थे उसको अंजाम देने का समय आ गया है। बहुत डिले हो गया लेकिन अब आखिर में भर्ती आपके सामने है और परीक्षा भी जल्द होने वाली है। तो प्लीज प्रिपेयर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत शुभ रहेगा।